नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुटनी उपचुनाव में भी बजा बीजेपी का डंका, छोटे निवेशकों को भी मिलेगी बियाडा की जमीन। डीएलएड में नामांकन के लिए छात्रों को बीएसईबी ने दिया सुनहरा मौका। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन, रोहित शर्मा बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कुटनी उपचुनाव में भी बजा बीजेपी का डंका। बिहार में हो रहे कुटनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के द्वारा जेडीयू को 4000 वोटों से मात दे दी गई है। बता दें कि मतगणना के शुरुआती दौर में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा था कि सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मतगणना के अंत तक बीजेपी ने चुनाव में अपना डंका बजा दिया। वहीं इस चुनाव में जेडीयू के हार से यह माना जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े की तरह है। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं अब यह बिहार के एक और विधायक पार्टी से जुड़ गई है। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक को जल्द मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक को वेतन भुगतान के लिए तीसरी किस्त में 10.21 अरब रुपए जारी किए गए हैं और साथ ही विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के 4 माह के बकाया वेतन भुगतान के लिए भी 6.72 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी जारी किए गए पैसे से राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों को लंबित वेतन दिया जाए। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिला परिषद और विभिन्न नगरीय निकायों से जुड़े नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 23.40 अरब की राशि मंजूरी की गई थी। सीएम ने राहत कोष में दिया 1 माह का वेतन। आज एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में सीएम नीतीश कुमार ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। बता दें कि उन्होंने अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रभारी अधिकारी सह मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार को सौंपते हुए राज्य के सभी लोगों से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक राशि दान करें, ताकि आपदा की स्थिति में लोगों को इस पैसे से अधिक मदद पहुंचाई जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष फंड ऐसी व्यवस्था है जिस पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। छोटे निवेशकों को भी मिलेगी बियाडा की जमीन, ऐसे करें आवेदन। बिहार में लघु और सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक यूनिट लगाने की चाह रखने वाले निवेशकों को भी अब बियाडा मासिक किराए पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि निवेशकों को 4, 6 और 8 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सेड फ्लग एंड प्ले सुविधा से सेड आवंटित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन औद्योगिक सेड को पाने के लिए बियाडा की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदक को ईमेल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि प्लग एंड प्ले सेड में निवेशकों को बिजली, पानी सहित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना से गोपालगंज के बीच की दूरी होगी कम। NHAI को मंजूरी दिए जाने के बाद अब पटना से गोपालगंज के बीच की दूरी में कमी आएगी। बता दें कि अब डुमरिया घाट से पटना के बागड़गंज को जोड़ने के लिए 92 किलोमीटर नए 4-लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत है। बताते चले कि इसका निरीक्षण DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा लिया गया है और साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ रोड मैप पर फिजिकल जांच कर चर्चा भी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पटना गंगा ब्रिज से राज्य पथ डुमरिया घाट मड़वा से NH 27 से मिलते हुए रामजान की 4-लेन पथ क्रॉस करते हुए निकलेगा। यहां गोलंबड़ व डुमरिया में भी उसकी कनेक्टिविटी को देखा गया। डीएलएड में नामांकन के लिए छात्रों को बीएसईबी ने दिया सुनहरा मौका। वैसे छात्र छात्रा जिनकी नाम डीएलएड एंट्रेंस के आधार पर निकाली गई पहली सूची और दूसरी सूची में नहीं हो पाई थी, उनके लिए बीएसईबी की ओर से एक और सुनहरा अवसर दिया गया है। बता दें कि अब छात्र 12 दिसंबर तक अपने विकल्प को भी एडिट कर सकते हैं, जिसके बाद ही बोर्ड की ओर से तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थी 12 से 15 दिसंबर तक नामांकन ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वैसे छात्र जिनके द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ CAF ऑनलाइन जमा कर दिया गया था, लेकिन कॉलेज का विकल्प चयन नहीं किया गया था, वह भी 12 दिसंबर तक विकल्प का चयन कर सकेंगे। मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों को नए साल में मिलेंगी डिग्रियां।
मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों को नए साल में मगध विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के द्वारा उनके कॉलेजों में ही मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा शाखा के द्वारा डिग्रियों की स्कैनिंग की जा रही है। डिग्री स्कैनिंग किए जाने के बाद इस बात की जानकारी संबंधित कॉलेजों को प्रत्याचार कर सूचित कर दिया जाएगा और तैयारी डिग्री को कॉलेजों के हवाले कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी मगध विश्वविद्यालय की 40,000 डिग्रियों की स्कैनिंग की जा रही है। बता दें कि इन डिग्रियों की स्कैनिंग इसलिए की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। कौन होगा बिहार का अगला डीजीपी? बिहार के वर्तमान डीजीपी एस के सिंघल का कार्यकाल इसी साल 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा। बता दें कि अगर डीजीपी के चयन की बात की जाए तो राज्य में मौजूद डीजी रैंक के 11 अधिकारियों के इस लिस्ट में कई ऐसे नाम है जिन्हें राज्य के अगले डीजीपी के रूप में चुना जा सकता है। हालांकि किसी के भी चयन करने से पहले इसकी चर्चा केंद्रीय स्तर पर की जाएगी और फिर राज्य स्तर पर मुहर लगाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि लिस्ट में जिन अधिकारियों में से डीजीपी को चुना जा सकता है उनमें सीलवर्धन सिंह, सीमा राजन, मनमोहन सिंह, राजविंदर सिंह भट्टी, प्रवीण वशिष्ठ और अरविंद पांडे का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी एवं इंडोनेशिया के विश्वविद्यालय के बीच होगी शैक्षणिक साझेदारी। बीते दिन बुधवार को नालंदा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह एवं इंडोनेशिया के विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोफेसर एच सुत्रीस्तनो के बीच ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक के दौरान कई शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में हुई चर्चा से यह भी सामने आया है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक साझेदारी की जा सकती है। इस बात की जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति के द्वारा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया के इस विश्वविद्यालय को 1963 में स्थापित किया गया था। इस बैठक के दौरान जाम्बी विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में भी रुचि दिखाई गई। बिहार में जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बंद। केंद्र की ओर से बिहार को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि अब बंद हो गई है। बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत बिहार को हर साल केंद्र की ओर से 4,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसके बंद होने से बिहार के बजट और विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। बताते चले कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत बिहार के लिए अंतिम किस्त इसी महीने नवम्बर में दिया गया था। इन्हीं चीजों को देखते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को और आने वाले 5 सालों यानी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। बता दें कि अगर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो लोक ऋण में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। पटना के 35 से ज्यादा पार्कों में ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक की मिलेगी सुविधा। पार्क प्रमंडल की ओर से अब पटना के 35 से ज्यादा पार्कों को तोहफा मिलने वाला है। बता दें कि अब यहां के पार्कों में ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक जैसी चीजों को भी शामिल किया जा रहा है। पटना पार्क के DFO शशिकांत कुमार के द्वारा जानकारी दी गई है कि अब तक राजधानी के 35 से ज्यादा पार्क हैंडओवर होने के अंतिम चरण में है। वहीं इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद विकास के लिए योजना की तैयारी की जाएगी, लेकिन 35 से ज्यादा पार्कों में से सभी में ओपन जिम नहीं लगाए जाएंगे बल्कि केवल उन पार्कों में लगाए जाएंगे जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध, जिसके बाद आम लोगों को घर से 200 मीटर की दूरी पर भी ओपन जिम की सुविधा मिल सकेगी। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का बयान। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के सहारे रिश्ते सुधारने को लेकर जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने खैरा थाना क्षेत्र में हाई स्कूल कैंपस में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के शीर्ष नेतृत्व में वह भारत पर हमला करते हैं तो भारत उसका 2 गुना जवाब देगा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब बिहार की GDP 22% से गिरकर 3% तक आ गई थी, लेकिन आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि आगे बढ़कर आत्मनिर्भर कैसे बनना है, किस राह पर चलना है, क्या कारोबार करना है और कैसे लोगों को रोजगार देना है। लोकसभा में उठा सीमांचल में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का मामला। लोकसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा बिहार के किशनगंज, अररिया समेत सीमांचल के जिलों में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कराने का मामला उठाया गया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने इस मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। नियम के अनुसार सरकारी स्कूलों में रविवार को छुट्टी दिया जाता है, लेकिन बिहार के सीमांचल के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों के मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है और इसी से मिड डे मील का भी घोटाला किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार फिर भी चुप है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोहित शर्मा बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय।
बीते दिन बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने न केवल 51 रनों की पारी खेली बल्कि 3 चौके और 5 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी और दुनिया के मात्र दूसरे बल्लेबाज बन गए। जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा से पहले दुनिया में यह इतिहास क्रिस गेल के द्वारा 553 छक्के लगाकर बना लिया गया है। कल हुए इस मैच में रोहित शर्मा नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। वहीं टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में 5 रनों से हार का सामना। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.06 रुपए और डीजल 94.78 रुपए प्रति लीटर में है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.81 रुपए और डीजल 95.48 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपए और डीजल की कीमत 95.36 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल की कीमत 95.28 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुटु रंगीला, नुन्नु गोलू कुमार, अखिलेश यादव, मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र ठाकुर, अंकित, मुक्तेश्वर यादव, सचिन कुमार, भान प्रकाश मौर्य, रवि शंकर, रंजीत मिश्रा, अर्चना कुमारी, केके सिन्हा, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या सिर्फ क्रिकेट खेलने से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।